हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी, तो एकदम अलग और नए तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ हमने चार करेले लिए, तो देखिए इनको गोल गोल साइज में हमने कट कर लिया। कट करने के बाद में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डाल करके इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो यह देखिए, यहाँ हमने रख दिया गैस के ऊपर कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल देंगे हम करेले। तो करेले को हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर से बना करके ट्राई करना। करेले की सब्ज़ी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लेना, तो हमेशा इसी तरीके से करेले की सब्ज़ी बना करके खाएंगे। तो यहाँ देखिए, करेले को तेल में अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और तेल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो करेलों को फ्राई होने में फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता, करेले बहुत ही जल्दी फ्राई करके तैयार हो जाते हैं। तो हम करेले को साइड में गैस के ऊपर रख देंगे फ्राई होने के लिए, और हम दूसरी कढ़ाई रख देंगे गैस के ऊपर। इसमें हम मसाला बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने साइड के गैस पर हमने करेले को रख दिया फ्राई होने के लिए। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और यहाँ देखिए, हमने दूसरी कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तो यह तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। अब डाल देंगे इसमें प्याज की प्यूरी। तो ये हमने दो प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको हमने पेस्ट बना करके तैयार कर लिया था। तो यहाँ देखिए, हमने प्याज का पेस्ट को डाल दिया। अब प्याज के पेस्ट को थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और यहाँ बीच बीच में हम करेले को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो करेले को हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से करेले को छन्नी में निकालेंगे, नहीं तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो तेल निकल जाएगा। और इसको हम इसी तरीके से छन्नी में रख देंगे। तो अब चेक कर लेते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए, प्याज भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। इसमें मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो बिल्कुल कम मसालों में हम इस सब्जी को बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए, अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। तो मसालों को एक बार इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी। तो मिक्सी ग्राइंड के जाल में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें। अब क्या करना, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आपको पसंद तो आप इसमें डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, उसको डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में डाल देंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो अब हम मसालों को अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ देखिए, बीच बीच में हम मसालों को इस तरीके से चलाते रहेंगे और मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ इसमें ऐड कर देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद में डाल देंगे इसमें हम करेले जो हमने फ्राई करके तैयार करके रखे हुए थे। करेले डालने के बाद में ग्रेवी में करेले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो करेले के अंदर भी ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से एक बार करेले की सब्ज़ी आप भी ज़रूर से बना करके ट्राई करना। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।